ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। 2 से 8 दिसंबर तक महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा मनाए जा रहे मातृवंदना शपथ सप्ताह के अंतर्गत योजना का लाभ आम लोगों तक पहुंचाने के उद्देश्य से हमीरपुर में जागरूकता रैली का आयोजन किया गया। हमीरपुर के उपायुक्त कार्यालय से शुरू हुई इस रैली को उपायुक्त हमीरपुर हरकेश मीणा ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। उपायुक्त हमीरपुर हरिकेश मीणा ने जिला में 2 से 8 दिसंबर तक मनाए जाने वाले मातृवंदना सप्ताह के दूसरे दिन एक जागरूकता रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। रैली उपायुक्त कार्यालय से बाल स्कूल मैदान तक निकाली गई। रैली में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता व सहायिकाओं ने हिस्सा लिया। इस अवसर पर जिला कार्यक्रम अधिकारी HC शर्मा, CDPO वीरेंद्र बिरला, सुपरवाइजर प्रदीप कुमार चौहान मौजूद रहे। प्रधानमंत्री मातृवंदना योजना के अंतर्गत सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा मातृवंदना सप्ताह में स्वस्थ राष्ट्र के निर्माण की ओर से सुरक्षित जननी व विकसित धारिणी को समर्पित जन जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। जिला कार्यक्रम अधिकारी HC शर्मा ने कहा कि इस दौरान जिले के अधिक से अधिक महिलाओं को प्रधानमंत्री मातृवंदना योजना से जोड़ा जाएगा ताकि वे इस योजना का लाभ ले सके। प्रधानमंत्री मातृवंदना योजना के तहत जो है जागरूकता लाने के लिए आज माननीय उपायुक्त महोदय के हमीरपुर के द्वारा फ्लैग ऑफ की गई रैली। इसका इस योजना के तहत जो है जो पहली बार गर्भवती माता होती है उसको जो है वो सहायता के रूप में जो है 6,000 रुपये तक की राशि का अनुदान दिया जाता है। और ये इसमें जो पात्र सारी महिला हैं, केवल जो सरकारी नौकरी पे या अर्ध सरकारी कार्यालय में अगर लगी है तो उनको वो पात्र नहीं होती, बाकी सभी महिलाएं इसकी पात्र है जो पहली बार गर्भवती होती है। पहली किस्त के रूप में जैसे ही मतलब ये गर्भावस्था में आती है या आंगनबाड़ी में और स्वास्थ्य केंद्र में अपना पंजीकरण करवाती है तो 1,000 रुपये की राशि इनके खाते में RTGS के माध्यम से भेजी जाती है। और इसी तरह से जैसे 6 महीने का समय इनका गर्भावस्था का हो जाता है और प्रथम जो इनका जांच टाइम प्रथम ट्राइमेस्टर की जांच पूरी हो जाती है तो ये दूसरी किस्त के लिए पात्र हो जाती है महिला, और इनके लिए फिर दूसरी किस्त की 2,000 रुपये की राशि भेजी जाती है। इसी तरह से इसके जो प्रसव के बाद जो है जैसे ही प्रथम चरण टीकाकरण का पूरा हो जाता है बच्चे का तो इनको तीसरी किस्त के रूप में 2,000 रुपये की राशि दी जाती है। इसका उद्देश्य यही है कि जो गर्भावस्था के दौरान एक जो श्रमिक महिला है जो कामगार महिला है उनको वो इसको इनको थोड़ी आर्थिक सहायता मिले और वो विश्राम भी करें ताकि, और साथ में यही है कि माँ का दूध बच्चे के लिए बहुत अहम है और वो बच्चे को पिलाए, और साथ ही साथ इसमें इस योजना के तहत जो है जननी सुरक्षा योजना में भी इनको 1,000 रुपये तक का लाभ मिलता है। वो उसमें भी ये होता है कि वो सरकारी इंस्टीट्यूशन में कहीं कार्य उसमें जो है प्रसव अपना करवाएगी तो वहाँ से वो राशि उनको मिलती है।